हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एट योर होम्स। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आज सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, पर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि रात को 12:30 बजे तक सोती हूँ और पढ़ती हूँ, इसलिए सुबह नींद नहीं खुल पाती है। पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठ सकूँ और अपना एक रूटीन फॉलो कर सकूं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। से तो मतलब इतने सालों से, जब से मतलब मैं पैदा हुई हूँ अब तक, मैं बताऊंगी कि चाहे कितनी भी नींद में हूँ, बहुत तेज हो रहा है। सुबह मैं जल्दी उठ पाती ही नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, आज से हम नया रेजोल्यूशन लेते हैं, जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। तैयार और चलते हैं हमारी माता जी के साथ वॉक करने के लिए। आखिर कठिन परिश्रम के बाद हम सुबह तैयार होकर यहाँ पर आ चुके हैं। मेरी मम्मी हैं जो पीछे हैं, वो एक्चुअली रोज़ाना सुबह चींटियों को आटा डालने के लिए यहाँ पर आती हैं, इस वजह से हम इसी जगह पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए ये वैसे एक रेलवे कॉलोनी है। ये देखो पीछे अलवर जंक्शन का वो दिखाई दे रहा है, जो वैसे अलवर से हैं उनको तो पता होगा ये पीछे एरिया है, वैसे गेट नंबर 2 भी बोल सकते हैं इसको, पर अभी जैसे ट्रेन्स वगैरह इतनी कम होनी है इस वजह से बंद है। तो सुबह सुबह हम लोग यहीं पे घूमने के लिए आते हैं। वैसे मैं भी 1 महीने पहले घूमने के लिए आई थी और 1 महीने तक कंटिन्यू आई थी, बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने आना बंद कर दिया था, बट कोई बात नहीं। अब मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे इस वाले इसके ऊपर पूजा वगैरह आती है और उस पर आश्रम आती है, तो यहाँ पे डेली जाने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर अभी नहीं है। और देखो मतलब खाली कितना अच्छा लग रहा है, ये उनका कोई मेंटेनेंस का ऑफिस है किस चीज़ का, पर ये मुझे पता नहीं है। और जैसे अभी अभी मैंने बोला था कि ट्रेन नहीं आ रही, पर देखो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन तो कंटिन्यू है ना। किया था हम जैसे योगा वगैरह के जितने भी इनके पोस्चर्स वगैरह होते हैं वो हम जैसे लोगों को आते नहीं हैं, बट इसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड करी थी पहले, जो मतलब अभी भी मेरे फ़ोन के अंदर है, जिसमें डे बाय डे आपको आज ये वाला करना है, दूसरे दिन ये करना है, इस तरह के पूरा एक मतलब डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि इस तरीके से करना है, इतनी देर तक करना है, तो मैं उसको फॉलो करती थी और आज से उसी को फॉलो करेंगे। कितनी ऑसम है। सो गाइस, आज के व्लॉग में बस इतना ही था। बीच में मैंने सोचा था कि मैं रोज़ाना एक व्लॉग बना के अपलोड किया करूँगी, पर जब मैंने मेरा पहला व्लॉग अपलोड किया था उसके बाद ही इतना बड़ा लॉकडाउन लग गया था कि बिल्कुल भी घर से बाहर भी नहीं जा सकते, तो कहीं भी आप व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सकते। पर मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक करने के जाना स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने सोचा कि ना आज इसका व्लॉग बना लिया जाए
और मैं कोशिश करूँगी कि ये कंटिन्यू ऐसे बीच में शायद व्लॉग के बाद मैंने बहुत दिन तक अपने चैनल पे अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई और ये व्लॉग वगैरह ये सब भी नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहने की। और ये जो मेरे चेहरे पे इतना रोशनी आ रही वो आ रही सूर्य देवता की वजह से क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 7 और सूर्य देवता अपनी चरम सीमा पर ऊपर आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी मेरे तीसरे व्लॉग के साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।